इस दिवाली पे सैमको आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल लेकर के आया है। आप नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए और कोई भी स्वस्तिक को स्कैन कीजिए तो आपको सैमको की मुहूर्त पिक्स मिल जाएंगी। शुभ स्वस्तिक से होगी कामनाएं पूरी। सैमको के साथ हो मुहूर्त ट्रेडिंग की पूरी तैयारी। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इनसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम जय पुरोहित जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने हार्मोनिक पैटर्न्स के बेसिक्स देखे थे और हमने बुलिश और बेरिश ABCD पैटर्न्स के बारे में बात की थी विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो आज के इस एपिसोड में हम अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और जो हार्मोनिक पैटर्न्स में और भी कुछ पैटर्न्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं जय पुरोहित जी का। जय, वेलकम टू आवर शो, वी आर प्लीज टू हैव यू अगेन। थैंक यू सो मच अपूर्व, फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक्स के बारे में एंड इट्स प्लेजर फॉर मी टू बी हियर विद योर व्यूअर्स टू डिस्कस द हार्मोनिक पैटर्न। श्योर, एब्सोल्युटली। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो स्लाइड्स बनाई थी तो उसमें आज हम आई थिंक बैड पैटर्न से शुरू करने वाले हैं। राइट, सो बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न्स में जैसा कि हम लोग ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि देयर आर मल्टीपल हार्मोनिक पैटर्न्स, जो ट्रेडिशनल हार्मोनिक पैटर्न्स है उसमें भी द फोर पॉइंट पैटर्न्स आर ABCD पैटर्न एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स आर फाइव पॉइंट्स पैटर्न, जहाँ पे XABCD होता है जो M और W शेप में दिखते हैं। अब हार्मोनिक पैटर्न्स अगर आप वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तो आप इजीली ग्रेस्प कर पाएंगे, ठीक है, आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आप सब पैटर्न्स एक साथ में करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक पैटर्न को लेके आप एक एक पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर आपको जहां पे भी चार्ट में जो भी पैटर्न दिखता है बाद में आप उसको साथ में देखना स्टार्ट करो, विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। सो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने zigzag पैटर्न्स देखे थे कि ABCD था, एक मुंह था, उसको विजुअलाइज करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे ये एपिसोड में कि M और W शेप के पैटर्न्स को विजुअलाइज करना, वहां पे रेशियोस फिट करना और वहां पे अगर कोई पैटर्न बनाए तो वो आइडेंटिफाई करना। तो आज बैड पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे और गार्टली पैटर्न डिस्कस करेंगे। सो बैड पैटर्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बैड पैटर्न में बेसिकली इट्स अ फाइव पॉइंट पैटर्न जहाँ पे XABCD होता है। स्कॉट कार्नी ने इसको डिस्कवर किया था 2001 में। दिखने में M एंड W शेप के पैटर्न्स है। इसमें हम लोग ड्रॉ करके डिस्कस करते हैं कि कैसे दिखता है, क्या रिट्रेसमेंट होना चाहिए और वो सब। तो फर्स्ट जो है ये एक मुंह हो गया, एक बड़ा मुंह हो गया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इज X एंड ये जो लेग खत्म हुआ था ये पॉइंट ए हो गया। उसके बाद में एक डिप आता है, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट बी हो गया। यहां पे जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट एक्स टू ए का जो मुंह है उसका एदर 38.2% होना चाहिए और 50% होना चाहिए, ठीक है, या फिर 38.2 या फिर 50, इन बिटवीन नहीं होना चाहिए। वो 44% नहीं हो सकता, 45% नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप 38.2% ले रहे हो तो 1-2% ऊपर नीचे चलेगा, या 50% ले रहे हो तो 1-2% ऊपर नीचे चलेगा, एकदम बीच में नहीं होना चाहिए। सो या तो 38.2 या फिर 50%, ये दोनों में से कोई भी एक लेवल होना चाहिए बी पॉइंट का। उसके बाद में एक और बाउंस आ रहा है, वो आ रहा है पॉइंट सी तक। अब ये जो सी पॉइंट है ये ए टू बी पॉइंट का 38.2% से 88.6% के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली इसका भी एग्जैक्ट लेवल्स होने चाहिए बट 38.2 से लेके 88.6 के बीच में बहुत सारे हार्मोनिक रेशियोज आते हैं। 38.2 आ गया, 50% हो गया, 61.8 हो गया, 70.7 हो गया, 78.6 हो गया और 88.6 हो गया। सो 6-7 हार्मोनिक रेशियोज है।
तो वो कहीं ना कहीं पे मैच हो जाएगा, और उसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये बहुत छोटा लेग है, बी टू सी का लेग है, वो काफी छोटा रहता है, तो कोई ना कोई रेशियो के बीच में रहता है, तो सी पॉइंट थोड़ा एडजस्टेबल है। इसको आप 38.2 से 88.6 के बीच में कहीं पे भी होगा चलेगा, 38.2 से कम नहीं होना चाहिए, 88.6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2% का बफर यहाँ पे भी रख सकते हैं, अगर 36.5 है तो भी चलेगा, 90% है तो भी चलेगा, ठीक है। बट कोई भी हालत में ए से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर ए क्रॉस कर दिया तो वो बैड पैटर्न नहीं है, ठीक है। अब यहां से आता है डी पॉइंट नीचे, ये डी पॉइंट आ गया। सो डी पॉइंट है वो एच टू ए का 88.6% होना चाहिए, ओके। और बी टू सी का इट कैन बी 127%, सॉरी 161% से 224% तक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये रेशियोस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम लोग ने किया कि बी पॉइंट है वो 38.2% हो सकता है या 50% हो सकता है, और एक्स टू ए मूव, ये जो फर्स्ट मूव था उसका, सी पॉइंट है इट कैन बी एनी रिट्रेसमेंट लेवल बिटवीन 38.2 टू 88.6% ऑफ ए टू बी, जो ऊपर से नीचे मूव आया था उसका, और डी पॉइंट है वो 88.6% ऑफ एक्स टू ए मूव, जो ये फर्स्ट मूव था जो नीचे से ऊपर गया था उसका 88.6% होना चाहिए, एंड डी पॉइंट कैन बी 161.8% टू 261.8%, सॉरी मैंने पहले 224 बोल दिया था, इट हैज टू बी 161.8% टू 261.8% ऑफ बी टू सी मूव, ये जो लास्ट लिया गया उसका 161.8 से 261.8% होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को एक पीआरजेड मिल जाएगा, विच इज दी पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जो हम लोग ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि पीआरजेड किसको बोलते हैं। तो दो लेवल्स जहाँ पे मैच होगा, एक तो आपका रिट्रेसमेंट पॉइंट हो जाएगा एक्स टू ए का एट पॉइंट डी, और सेकेंड जो हो जाएगा वो बी टू सी का रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट, उसका रिट्रेसमेंट। सो दोनों का जहां पे कन्वर्जेंस होगा वो पीआरजेड हो गया। जितना छोटा पीआरजेड है उतना बेटर है, अगर 2% से कम है तो आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं, 2% से ऊपर है अगर डेली चार्ट या आर्ली चार्ट में, तो आप वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वेट करें, वहां पे अगर कुछ बुलिश साइन बनता है तो ही ट्रेड लेना, ठीक है। एक और यहाँ पे जैसा हम लोग ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि टाइम के ऊपर, कि टाइम कितना लेना चाहिए, ओके, यहाँ पे भी टाइम काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टाइम यहाँ पे कैसा है, मैं ये चार्ट को, ये जैसा एबीसीडी पैटर्न में तो 4 दैगी था, वहां पे इजीली समझ में आता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो पैटर्न है इसको 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट हाफ, और ये सेकेंड हाफ हो गया। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया। तो फर्स्ट हाफ इज बेसिकली योर एक्स टू ए टू बी, ओके। प्राइस एक्स से ए तक गया, फिर ए से बी तक आया, ये फर्स्ट हाफ हो गया, और सेकेंड हाफ हो गया मेरा बी टू सी टू डी, ओके। अगर फर्स्ट हाफ से फॉर एग्जाम्पल इज टेकिंग से 100 डेज, ये बनने में 100 दिन लग गया फर्स्ट हाफ को, जो आधा पैटर्न पहले बना था उसको बनने में अगर 100 दिन लग गए, तो जो बाकी का जो पैटर्न है, जो बाकी का जो सेकेंड हाफ है, वो मिनिमम 38 डेज तो लगना चाहिए, उससे अगर जल्दी बनता है तो वो पैटर्न इनवैलिड है, उसके ऊपर ट्रेड नहीं ले, ठीक है। मिनिमम 38 डेज, उससे ऊपर होगा चलेगा, ठीक है। उससे ऊपर में भी सी टू डी मूव जनरली थोड़ा फास्टर होगा, बट एटलीस्ट उतना होना चाहिए, उससे अगर कम है तो वो पैटर्न कंप्लीटली इनवैलिड है। सो बेसिकली इसमें भी रिट्रेसमेंट यूज हुआ हुआ है कि जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है उसका एटलीस्ट 38.2% सेकेंड हाफ पोर्शन लेना चाहिए टाइम वाइज। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डेज में लेना है तो 38 डेज ले लेता हूँ, या नंबर ऑफ कैंडल्स में लेना है तो 38 कैंडल्स मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी दूसरे हार्मोनिक पैटर्न है, जो 5 पॉइंट पैटर्न है, जो एम और डब्ल्यू शेप के दिखते हैं, सब में ये रूल एप्लीकेबल है,
ओके सो ये जो एम शेप में दिखता है वो बुलिश बैंड पैटर्न है, और जो डब्ल्यू शेप में दिखेगा वो बेरिश है। एम वाला जो दिख रहा है वो बाय के लिए है, डब्ल्यू शेप में जो दिख रहा है वो सेल के लिए है। ओके सो यहाँ पे हिस्टोरिकल एग्जांपल एक चेक करते हैं, जैसे एशियन पेंट्स का आरडी चार्ट है, यहाँ पे जो फर्स्ट मूव आया था इसका ये 50% के अराउंड रिट्रेस हुआ, पी पॉइंट। सी पॉइंट था वो 88.6% था, और जो डी पॉइंट है ये एच टू ए का 88.6 था और बी टू सी का 200% था। ओके तो यहाँ पे इसका पी आर जेड फॉर्म हुआ, और उसके बाद में प्राइस, ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज द पी आर जेड लेवल, और उसके बाद में प्राइस कुछ ऐसा मूव आया। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है 2015 का, यहाँ पे भी बुलिश हार्मोनिक बना था, 50% तक रिट्रेस हुआ बी पॉइंट, उसके बाद सी पॉइंट 50% तक गया, डी पॉइंट है वो 261% ऑफ बी टू सी और 88.6% ऑफ ए टू बी आया। यहाँ पे रिवर्सल जोन था, और उसके बाद में एक अच्छा खासा बाउंस बैक इसमें भी दिखा जो लगभग, और टारगेट जो इसके हैं वो फिक्स है, जो जैसा हम लोग का एबीसीडी पैटर्न में थे, हम लोग ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि जो लास्ट लेग है सी टू डी मूव उसका मिनिमम 50% और अपसाइड में 61.8 तक आता है तो प्रॉफिट बुक कर लो। फर्स्ट 38.2% पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके कॉस्ट का कर लो, और उसके बाद में जैसे ऊपर आता है 50% पे अदर 50% और हाफ पोजिशन एग्जिट कर लो, और 61.8% रिट्रेसमेंट पे आप पूरा पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, और एटलीस्ट अगर आपको और प्ले करना है तो ट्रेल एसएल के साथ में उसको प्ले कीजिए। ठीक है, ये तो कुछ पुराने चार्ट्स हो गए। यहाँ पे अपूर्व, जैसा हम लोग लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से एबीसीडी पैटर्न फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, कहीं पे एम शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आई थिंक जो 12th मार्च का जो लो है, जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसके पास में जो लो बन रहा ये वाला है, हाँ ये वाला, उसके आई थिंक वहाँ से एक्स शुरू हुआ, एक्स ऊपर तक गया, वो ए है, फिर वापस नीचे आया बी सी डी। ये सी है और ये डी, यस काफी पैनिंग नजर है आपकी, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आपने देखा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब हम लोग विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक बड़ा एम दिख रहा है वो भी विजुअलाइज हो सकता है। ओके, वहां पे भी रेशियो लगा के चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं बना हो, क्योंकि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि वो बना हो कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे कंप्लीट हुआ हो, उसका स्टॉप लॉस भी हो सकता है, रेशियो लगा के देखेंगे तो समझ में आता है। बट सिंस अभी हम लोग जब लाइक पुराने चार्ट्स देखते हैं तो इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बना था, क्योंकि उसके बाद में प्राइस रिवर्स हुआ है। जो फेलियर वाले चार्ट होते हैं वो हम लोग एनीवेज अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट वहां पे काफी फेलियर्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे फेल होता है, ठीक है, और फेल होता है तो क्या करना है आपको। तो एक्स टू ए जो मूव था उसका 50% तक रिट्रेस हुआ था बी पॉइंट, और सी पॉइंट है वो ए टू बी का 50% हुआ, डी पॉइंट जो आ रहा है वो एच टू ए का 88.6% हुआ, ये जो पूरा मूव था उसका 88.6% हुआ, जो लेवल था 65.51, और जो बी टू सी मूव है उसका 261.8% तक आया, डी पॉइंट जो आया 65.48 तक। सो पी आर जेड क्या बन गया, 65.48 से 65.51, ये 3 पैसे का ही पी आर जेड है। तो बेसिकली 65.50 आता है तो बाय करना है, ठीक ठीक है, और स्टॉप लॉस 1.5% रहेगा क्योंकि ये आरडी चार्ट का एग्जांपल है। सो 64 रुपये 50 पैसा ही इसका स्टॉप लॉस है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये बाय था वो 1 रुपए भी ट्रिगर हुआ नहीं, और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस देखने के लिए मिला। ओके ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो पैटर्न्स है बुलिश पैटर्न बेरिश पैटर्न उसका एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर लाइव चार्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल चार्ट डिस्कस करने में उतना मजा नहीं है जितना लाइव चार्ट में। ठीक है, सो लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, जहां पे अभी के टाइम में भी जो बंदे वो भी देखेंगे, और जो प्रीवियसली रिसेंटली बने वो भी देखेंगे। ओके सो पहले डिस्कस कर लेते हैं पैटर्न को। सो
जो बेरिस एबीसीडी पैटर्न है वो एग्जैक्टली बुलिस एबीसीडी पैटर्न का उल्टा है, उसमें डब्ल्यू शेप था, सॉरी उसमें एम शेप था और इसमें डब्ल्यू शेप है। ओके, तो जो बी पॉइंट है वो एक्स टू ए का एदर 38.2% होना चाहिए या फिर 50% होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है, इन बिटवीन नहीं होना चाहिए, या तो 38.2 और 15। सी पॉइंट है वो बी ए टू बी का जो मूव था उसका 38.2% से 88.6% तक रिट्रेसमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इन बिटवीन हुआ तो भी चलेगा बट उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। और जो डी पॉइंट है वो एच टू ए का 88.6 होना चाहिए और उसके साथ में जो भी नियरेस्ट रिट्रेसमेंट आता है बिटवीन 161.8 टू 261.8 वो होना चाहिए। तो हम लोग एक्सेल में एक बार चेक करते हैं कि 161.8 से 261.8 के बीच में कौन कौन से रिट्रेसमेंट्स आते हैं। ओके, सो 161.80%, 200%, 224%। तो जो डी पॉइंट है वो एच टू ए का जो मूव था उसका 88.6% होना चाहिए और जो बी टू सी का जो मूव था उसका 161.8% से 261.8% के बीच में कोई भी एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। ओके, तो जहां पे इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है जो जोन सबसे छोटा होगा वो अपना पीआर दे दे। तो इसके बीच में कौन कौन से रिट्रेसमेंट आते हैं, ये लास्ट एपिसोड में मैंने ये टेबल ऑलरेडी शेयर किया था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 161.8% आता है, 200 आता है, 224 आता है, 261.8% आता है। तो ये चार रेशियोज आपका बी टू सी का कैलकुलेट होगा और उसके साथ में एक्स टू ए का 88.6 कैलकुलेट होगा। तो जहां पे वो रेशियोज मिलते हैं वो अपना पीआरजेड बनेगा। तो इसके कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में लाइव चार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो एक ये मूव आया था एक्स टू ए, इसका 50% तक रिट्रेस हुआ। सो एचडीएफसी लिमिटेड का वीकली चार्ट है, यहाँ पे एक्स टू ए का जो फॉल आया उसका 50% तक रिट्रेसमेंट हुआ पॉइंट बी पे, उसके बाद में सी पॉइंट नीचे आया जो 61.8% था ए टू बी मूव का, और जो डी पॉइंट है वो एक्स टू ए का 88.6 और बी टू सी का 224% था। तो यहाँ पे एक पीआरजेड मिला और उसके बाद में प्राइस पूरा की पूरा रिवर्स हो गया। अपना जो मोटो है वो कंप्लीट रिवर्सल का नहीं है, हम लोग को छोटे मूव के लिए प्ले करना है विच इज 50% रिट्रेसमेंट उसका। ये एक रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। इनफैक्ट ये मैंने काफी साल पहले ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, तो यहाँ पे भी एक बेरिस बैट पैटर्न बना था और उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल आया था। ठीक, यहाँ पे कुछ अपूर्व आपको एम और डब्ल्यू शेप दिख रहा है? ये तो क्लियर किसी को भी दिख जाएगा, एम एकदम काफ़ी लाउड एंड विजिबल एम है यहाँ पे, जो ओके, नवंबर का आई थिंक ये जो टॉप रेड कैंडल दिख रही है, सो दैट यहाँ इज़ के सो वो एक्स है, वो अक्टूबर वाला एक्स, एंड देन नवंबर में जो टॉप बना वो ए, फिर बी, सी एंड अगेन डी। ओके, सो इन बैट पैटर्न कैन डी पॉइंट बी बिलो एक्स पॉइंट, डी पॉइंट एक्स के नीचे जा सकता है? मुझे पता नहीं है। अभी हम लोग ने जो एग्जांपल्स देखा, जो हम लोग ने लर्न किया उसका मैं बेरिस वाले से भी आपको समझा दूंगा एग्जैक्ट उसका उल्टा। ये डी पॉइंट जो है वो नहीं एक्स होना ए का चाहिए, 88.6% ही हो एट सकता पॉइंट है, ठीक सिक्स ही हो सकता है। ओके। है, यहाँ पे भी जो था डी पॉइंट ऊपर होना चाहिए एक्स से, ठीक है। तो ये वाला जो सिनेरियो है यहाँ पे एम वाला तो फेल हो गया, अगर बना भी होगा तो भी स्टॉप लॉस हो गया उसका। और कोई स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है एम के अलावा? आई थिंक बेरिस ये पैटर्न है ए तो बी डब्लू, बुलिश वाला, ये ए बी सी डी ये किधर बन रहा है शायद। यस, ये एबीसीडी जो है ना, ये हम लोग ने लास्ट जो एपिसोड था उसमें ये सेम चार्ट था, ठीक है, जहां पे एबीसीडी बना था और ये एग्जैक्ट प्रॉपर एबीसीडी से ही घुमा था। ये एग्जांपल हम लोग ने लास्ट वाले में डिस्कस किया था एपिसोड में, बट उसके बाद में ये मूव आने के बाद में, ठीक है, फिर से इमिडिएटली एक और इसमें सेल पैटर्न भी बना। ये आपको डब्ल्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये हाई एक्स पॉइंट,
एक्स ओके, बी ए पॉइंट, बी पॉइंट, पॉइंट, सी पॉइंट और ए डी। पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। सो जो बी पॉइंट है वो 50% हुआ रिट्रेस, और जो डी पॉइंट है वो बी टू सी का 200% हुआ था। तो यहाँ पे एक बेरिश बैट पैटर्न बना और वहां से फिर से फॉल भी आया। तो यहाँ पे जो ये रे लिया है, यहाँ पे बुलिश बैट सॉरी बुलिश एबीसीडी पैटर्न बना था, और ये जो फॉल बड़ा वाला है यहाँ पे बेरिश बैट पैटर्न बना। बाय और सेल दोनों सेम चार्ट में ही आपको दिख जाएगा, दो हार्मोनिक पैटर्न्स, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स एक बार देख लेते लाइव में कि कहाँ पे पैटर्न्स बने हैं। अभी रिसेंटली एक बैंक निफ्टी में पैटर्न बना था जो कि मुझे याद है। अब ये वाला दिख गया बराबर, मतलब वो चार्ट में आया उसके पहले समझ गया। तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार डिस्कस करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, मैं इसको प्राइस को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट। अब यहाँ पे आपको एम या डब्ल्यू शेप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस बार बराबर से दिख रहा है, इस बार पहले वाली बारी जैसी गलती नहीं होगी। जो अगस्त का, अगस्त से जस्ट पहले का जो टॉप है, आई थिंक दैट इज़ ये, हाँ ये जुलाई वाला टॉप है वो एक्स है, फिर जो अगस्त में फॉल आया दैट इज़ ए, अगेन देर इज़ दिस रैली तो बी हो गया, फिर वापस सी एंड अगेन डी जो कि वापस टॉप के करीब का बन रहा है। तो इसमें रिट्रेसमेंट डालते हैं, चेक करते हैं कि कैसे एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। जब एग्जांपल पीपीटी में देख रहे थे तो थोड़ा अलग रहता है, यहाँ पे जब लाइव देखते हैं तो थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रिट्रेसमेंट लेना है एक्स टू ए का, तो वो क्या होना चाहिए, या तो 38.2% होना चाहिए या 50%, दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 50% है, ओके। तो मतलब अपना फर्स्ट क्राइटेरिया मैच हो रहा है। अगर बी पॉइंट का मैच होगा तो ही पैटर्न वैलिड है। अगर बी पॉइंट से फॉर एग्जांपल 61.8 आ गया तो कोई और पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ हार्मोनिक पैटर्न्स 5 पॉइंट वाले जितने भी पैटर्न है सब बी पॉइंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो बी पॉइंट का जो रेशियो है वो एकदम प्रॉपरली मैच करना है बैट के रेशियो से। तो बैट में क्या है कि 50% होना चाहिए, वो यहाँ पे है, ओके। सो मैं एक बार ये रेशियो को फिर से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग को लेना है इसका रेशियो चेक करना है कि सी पॉइंट कितना आएगा, और सी पॉइंट दिखने में भी लग रहा है कि 38.2 से 88 के बीच में ही है, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी हो चलता है, ठीक है। सी पॉइंट एडजस्टेबल है, बस 88.6% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो सी पॉइंट उस रेंज में है तो वैलिड है, तो इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम लोग को दो रेशियोज निकालना है, एक जो मैंने पहले निकाला था वो ही फिर से ड्रॉ करूंगा कि एक्स टू ए, मैं इसको एक बार, वो 88.6% होना चाहिए। वो 88.6% होना चाहिए, ओके। ये एक्स पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। तो डी पॉइंट जो है वो एक्स टू ए का 88.6% होना चाहिए, ओके। और जो बी टू सी है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, उसका चार रेशियोज में से कुछ भी हो सकता है, एदर 161.8% और 200% और 224% और 261.8%, चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हम लोग पहले बी टू सी का रिट्रेसमेंट लेते हैं, ओके। और बी टू सी के रिट्रेसमेंट में ये 200% हो गया, ये 224 हो गया, ओके, ये 161 हो गया। अब ये तो पता नहीं है इसकी प्राइस यहाँ से टर्न हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 224 से घुमा है, बट यहाँ से भी टर्न हो सकता था, ओके। हम लोग को पी आर जेड फाइंड आउट करना है कि अपना पी आर जेड कितना रहेगा, क्या लेवल पे हमको ट्रेड करना है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं एक्स टू ए का एक रिट्रेसमेंट लूंगा जो हाई टू लो है, और यहाँ पे देखेंगे 88.6% जो है वो मैच कर रहा है 200% से, ये जो टू लिखा है विच इज 200% ऑफ बी टू सी। सो मेरा पी आर सेट कितना हो गया, 4605, 46,053 53 से 69 की रेंज।
ओके सो ये रेंज में आता है तब ट्रेड लेना, एकदम छोटा पीआर देना है। बैंक निफ्टी में 16 पॉइंट मतलब एकदम छोटा हो गया, नेगलिजिबल, ऑलमोस्ट नेगलिजिबल। हाँ तो ये रेंज में जैसे ही आता है, चाहे आप 53 पे लो चाहे आप 69 पे लो, कहीं पे भी ले सकते हैं ट्रेड। ओके अब आता है स्टॉप लॉस क्या रखना। डेली चार्ट है तो 1.5%, लास्ट एपिसोड में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, डेली चार्ट अगर है वहां पे हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है तो स्टॉप लॉस का जो रूल है वो सब पैटर्न के लिए सेम है। तो 1.5% ऑफ द पी आर जेड लेवल, तो पी आर जेड लेवल यहाँ पे कितना है 46049, इसके ऊपर 1.5%। ओके तो 46,000 का 1.5 समवेयर अराउंड 700 पॉइंट के करीब का बनेगा, 700 पॉइंट के करीब। तो 46,750 के अराउंड इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या 46,750 और एल्स एक्स पॉइंट जो छोटा है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स का भी हाई क्रॉस कर गया तो भी इनवैलिड है पैटर्न है। तो यहाँ पे एक्स का पॉइंट छोटा है तो मेरा जो रिस्क है यहाँ पे, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ 46,070 कह रहा हूँ तो 46,370 का मेरा स्टॉप लॉस है 300 पॉइंट का, और यहाँ पे सेल ट्रेड हुआ। और इसका जो टारगेट है वो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट लेग है सी टू डी मूव, उसका 50% एटलीस्ट 50-61%। तो ये सी पॉइंट से डी पॉइंट का मूव हुआ, इसका 50% वाज 45,070। ठीक है, ट्रेड कहाँ पे हुआ था 46,053 पे। ठीक है, जहां से स्टॉप लॉस था लगभग 310 रुपए का, 310-320 रुपए का, और यहाँ से ऑलरेडी जो फर्स्ट टारगेट है जहां पे अगर आपको पूरा करना है पूरा कीजिए, अदरवाइज इसको ट्रेल करके सेकेंड टारगेट जो है 61.8 वहां तक होल्ड करना चाहिए। मैं एटलीस्ट होल्ड करता हूँ 61.8 तक ट्रेलिंग एसएल के साथ, तो एक अच्छा खासा लगभग 1,000 पॉइंट से प्लस का आपको टारगेट मिल गया। टारगेट 1,000 पॉइंट का और टारगेट 2 लगभग 1,500 पॉइंट का, और वो भी लाइक फेवर अच्छा किया कि 3-4 दिन में टारगेट्स भी आ गए, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। बट वहां पे थोड़ा टाइम ले भी सकता है, टाइम बाउंड इसमें बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके अभी हम लोग एक और चार्ट देखते हैं, रिसेंटली बना था हिंद यूनिलीवर में, इसमें आपको दिख रहा है कुछ पैटर्न अपूर्व? ये थोड़ा मुश्किल है, एम डब्ल्यू थोड़ा बड़ा सोचो दिखेगा। चलो मैं इसको है ना रेडीमेड वाले से ड्रॉ करता हूँ, जो यहाँ पे टूल अवेलेबल है, ठीक है, एक्स एबीसी ने, ये एक्स पॉइंट हो सकता है स्टार्ट पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, जो कितना होना चाहिए 38.2 और 50%, ठीक है, यहाँ पे 2.5 पॉइंट का बफर है, ये पॉइंट सी जो 88.6 के अंदर है, और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट डी बन जाएगा ये लेवल पे, यहाँ पे कहीं पे। अब ये डब्ल्यू आपको विजुअलाइज हो रहा है, फिर हम लोग रेशियो डाल के देखते हैं। यस सो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने रेडीमेड टूल यूज किया है जो ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग में अवेलेबल है। ओके सो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एक्स हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी सी एंड पॉइंट डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 89.9 है वो एग्जैक्ट है, सो बेसिकली एक मिनट यहाँ पे मैग्नेट हटता था मैं, सो 88.6 लगभग यहाँ पे था, विच इज 2573 लेवल। ओके इसका यहाँ पे आप देखेंगे 227 है, तो 224 से 88.6 मैच हो रहा है, एक पीआरजेड बनेगा छोटा सा, जो पीआरजेड होगा लगभग 2570 से 75 के बीच में। ओके ये आर्ली चार्ट है, रिसेंट चार्ट है, ये 2-3 दिन पहले ही बना है, सॉरी फ्राइडे को ही बना था पैटर्न, आप जाके चेक भी कर सकते हैं,
ओके रिट्रेसमेंट डाल के उसको देखो कि क्या एग्जैक्ट पीआरजेड था, 2570 से 2575 के बीच में पीआरजेड था, स्टॉप लॉस क्या रहेगा 1.5% उसके ऊपर, सो लगभग 2625 का स्टॉप लॉस है उसका, ठीक है, एंड ये हाई यहाँ पे किया था ओनली 2581, स्टॉप लॉस ट्रिगर में मैं खाली 5 रुपए उसके ऊपर गया और उसके बाद में पूरा के पूरा नीचे आया। ओके आज ही इनफैक्ट अच्छा खासा डाउन था एचयूएल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गार्टली पैटर्न को और उसके बाद में और एग्जांपल्स देखेंगे लाइव एग्जांपल्स। तो गार्टली पैटर्न जो है वो फर्स्ट एचएम गार्टली ने मतलब फाउंड किया था, उन्होंने वो डिस्कस किया था और उसके बाद में स्कॉट कार्नी ने उसको अपनी बुक में फिर से कवर किया था इन 1999। सो इकलौता एक ही हार्मोनिक पैटर्न है विच इज गार्टली पैटर्न विच इज ओल्ड पैटर्न, उसके बाद में जितने भी पैटर्न है सब नए पैटर्न है लास्ट 25 इयर्स 30 इयर्स में डिस्कवर्ड हुए में, एंड बाकी जितने भी पैटर्न है मोस्टली सब स्कॉट कार्नी ने ये किया है डिस्कवर किए और उन्होंने बैक टेस्ट करके वो पैटर्न फॉर्म किए। ओके तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है वो 61.8% होना चाहिए, तो जो बी पॉइंट आता है एक्स टू ए का वो 61.8% तक होना चाहिए। योर सी पॉइंट कैन बी एनी रिट्रेसमेंट लेवल बिटवीन 38.2% टू 88.6%। तो बेसिकली जो बैट में जो सी पॉइंट का क्राइटेरिया वो यहाँ पे भी सेम है, सी पॉइंट एडजस्टेबल है, 38.2% से 88.6% के बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है वो चल जाएगा। अब डी पॉइंट की बात आती है तो सिंस या बैट पैटर्न में क्या था योर बी पॉइंट ठीक है, बी पॉइंट मस्ट बी एदर 38.2% और 50% बैट में, अगर उससे ज्यादा रिट्रेस होके 61.8% आ जाता है तो गार्टली बनने के चांसेस है। ओके अब अगर 61.8% पे बी पॉइंट आ गया और तो गार्टली में डी पॉइंट थोड़ा छोटा रहेगा, बैट में क्या था 88.6% तक का है, इसमें 78.6 तक का है इसमें, ठीक है, और जो बी टू सी का जो रिट्रेसमेंट है उसका 113% से 161.8% तक होना चाहिए, जो बी टू सी का जो मूव है उसका रिट्रेसमेंट लेवल। प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप गार्टली पैटर्न देखते हैं तो इसके साथ में आपको एबीसीडी पैटर्न भी उसके अंदर ही दिख जाता है, जो एक्स ए बी सी डी का जो है उसमें एबीसीडी हार्मोनिक वाला भी दिख जाता है, ठीक है, ये बहुत बार होता है बट नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको दिखेगा ही दिखेगा, अगर नहीं दिखा तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर दिखता है तो इट्स मोर कन्विक्शन कि आपको और एक दो पैटर्न साथ में एक ही लेवल पे बन रहे तो वो ज्यादा कन्विक्शन है। ओके सो समहाउ एम जैसा ही है बट थोड़ा सा डिलेटेड है, ओके ठीक है, एम ही है, एम शेप का ही है बट इसमें रेशियोज अलग है, रेशियोज इसके डाल के और हम लोग चेक करेंगे लाइव मार्केट में भी कि कहाँ पे बने कहाँ पे नहीं बने। ओके सो पहले हिस्टोरिकली चार्ट चेक करते हैं कि यहाँ पे एक्स टू ए का एक मूव आया, ठीक है, उसका 68.1% बी पॉइंट पे रिट्रेस हुआ था, फिर एक बाउंस आया सी पॉइंट तक, बैंक निफ्टी का चार्ट है वो 61.8 तक आया और फिर डी पॉइंट कंप्लीट हुआ था 78.6% से 141% ऑफ बी टू सी इसका, तो यहाँ पे एक बुलिश गार्टली बना, उसके बाद में अच्छा एक बाउंस देखने के लिए मिला था। अभी आयरन ही देखो, ये जब का चार्ट है वो टाइम पे जो बैंक निफ्टी के लेवल से अभी निफ्टी भी उसके ऊपर चल रहा है। तो अपूर्व अगेन हम लोग खेलते हैं फिर से, कहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है, अब आपको विजुअलाइज करना है, चलो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बुलिश गार्टली है तो ऑब्वियसली एम विजुअलाइज करना है, यहाँ पे आपको एम कहाँ पे दिख रहा है, ये जो बीच में बड़ा सा रेड वाला कैंडल जो ये आ रहा है, ये नीचे टाइम शायद अक्टूबर का जो ये पीक है आपका जो कर्सर है वहीं पे, सो दैट इज लाइक द ए, ओके सो बेसिकली दिस पॉइंट इज एक्स, या ओके एब्सोल्युटली राइट, ये सही पकड़ा आपने, ये एक्स ए बी सी एंड डी, ठीक है,
जैसा पहले मैंने बताया कि M दिखेगा बट थोड़ा टिल्टेड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स ए बी सी डी बन गया। बी पॉइंट है वो 61.8% है ए टू बी का, सॉरी एक्स टू ए का 61.8 है बी पॉइंट पे। सी पॉइंट रिप्लेसमेंट दिख ही रहा है कि 38.2 से 88.6% के बीच में है, और डी पॉइंट है वो 78.6% ऑफ एक्स टू है, और बी टू सी का 161% है। दोनों वहां पे कन्वर्ज हो रहा है, एक पी आर जेड मिल रहा है और वो पी आर जेड टच करके ही प्राइस रिवर्स हुआ है। ये कैडिला का चार्ट है और इसमें आपको गार्टली दिखेगा, ये जो एक्स पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, इसका 61.8% तक आया था और ये इसका 78.6% है। यहाँ पे आप देखेंगे ना कि मोस्ट प्रोबेबली आपको एक एबीसीडी भी दिखेगा, ठीक है। आप इसको मैन्युअली अगर अपूर्व एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे प्राइस लगभग 523-524 के अराउंड है। एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे नहीं दिख रहा है उतना है, और ये नीचे में जो प्राइस आया था वो प्राइस आया था 468 रुपीज तक। तो लगभग जो फॉल था वो था 32 एंड लगभग 54-55 रुपीज का फॉल था, 55 रुपीज के अराउंड फॉल था वो। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे एपीसीडी में क्या होता है कि प्राइस इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हाई है, जो 511 का हाई है, वहां से 55 रुपए और कम होना चाहिए था प्राइस। ओके, तो वो आता है लगभग 455 के अराउंड, 456, और प्राइस का जो यहाँ पे भी जो पी आर जेड बन रहा है वो 450 से 453 की जोन में बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोनों पैटर्न मैच हो रहा है, एबीसीडी भी बन रहा है और साथ ही साथ गार्टली भी बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद में बाउंस एक देखने के लिए मिला है। जय, मेरा एक सवाल है कि ये बहुत सारी पैटर्न्स हैं अभी, जैसे जो एबीसीडी पैटर्न थी जो पिछले एपिसोड में हमने देखी वो तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा था, लेकिन ये जो बैट है या गाटली है ये शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है कभी किसी के लिए। तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके दे दे। तो बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स भी होते हैं जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। सो क्या आपके ध्यान में ऐसा कुछ है कि जो जिससे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी लाइफ थोड़ी और आसान हो जाए? तो सी बेसिकली मैं अगर हार्मोनिक्स की बात आती है तो वहां पे रेडीमेड स्कैनर्स या फिर जो एल्गो कोडिंग वगैरह जो करते हैं उसके ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करता, बिकॉज उसमें एक इश्यूज बहुत बड़ा है, वो है कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वो आपका पैटर्न चेंज करता रहेगा, वो नया पैटर्न बना देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 78.6% पे मेरा गार्टली बन रहा है, अगर जिस दिन ये गार्टली के लेवल पे आता है उसी दिन अगर बड़ा फॉल आ गया तो ये नीचे जाएगा, अगर 161.8% तक आ गया तो वहां पे क्रैप बन जाएगा, वो पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस मूव होता है वो पैटर्न्स को भी चेंज कर देता है। सो हार्मोनिक का जो ब्यूटी है वो है कि आपका प्री डिफाइंड एसएल है, प्री डिफाइंड एंट्री पॉइंट है, प्री डिफाइंड एग्जिट पॉइंट है, बट जब आप उसको कोड कर देंगे या जब आपको ऑटोमेटिकली या स्कैनर के थ्रू आपको जो वो मिलेगा, मे बी आप ईओडी अगर उसको स्कैनर को रन कर रहे हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये स्टॉक में स्टॉक्स बन में कुछ रहा है, बन पैटर्न्स सकता है, बन रही है ऐसा पता चलता है। हाँ बन रहा है, बट वो लाइव मार्केट में वो चेंजेस हो जाता है कि आपको ईओडी में दिखा रहा है कि गार्टली बन रहा है, बट अगर वो प्राइस नीचे आ गया तो वो बाद में दिखाना बंद कर देगा। तो जो सक्सेसफुल बने वो दिखा देंगे, जो फेल हुआ है वहां पे दूसरा पैटर्न आ जाएगा, वो एक इश्यू है। तो इसके लिए मैं ज्यादा ऑटोमेटेड के साइड में नहीं गया हूँ हार्मोनिक्स। यहाँ पे भी एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना था, 3M इंडिया का चार्ट है पुराना, और उसके बाद में अच्छा खासा बाउंस आया था। तो हम लोग एक बार वैलिड गार्टली भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लोग लाइव एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेरिश गार्टली एग्जैक्ट उल्टा है बुलिश गार्टली के,
वो एन शेप में था, ये डब्ल्यू शेप में है, थोड़ा सा टिल्टेड डब्ल्यू है, जहां पे जो बी पॉइंट है वो 61.8% होना चाहिए ऑफ एक्स टू ए, सी पॉइंट मस्ट बी 38.2% टू 88.6%, एनीथिंग इन बिटवीन एडजस्टेबल, डी पॉइंट मस्ट बी 78.6% ऑफ एक्स टू ए एंड अलोंग विथ इट बी टू सी जो रिप्लेसमेंट है उसका 113% से 161.8%। अब 113 टू 161 के बीच में दो और रेशियोज हैं जो है 127 एंड 141। ओके सो 113% हो सकता है, 127 हो सकता है, 141.4 हो सकता है और 161.8 हो सकता है। ये चारों रेशियोज में से कोई भी एक रेशियो जो 78.6 के पास में आ रहा है तो वहां पे हम लोग को पीआरजेड मिल जाएगा पेरिस कार्टली में। ओके अपूर्व योर टर्न, फाइंड आउट डब्ल्यू इन दिस चार्ट, कहां पे आपको डब्ल्यू दिखना है? ये आई थिंक ये जो पीक है मार्च, हाँ आई थिंक दैट इज दी स्टार्टिंग पॉइंट एक्स, ओके फिर ए नीचे आया एकदम, फिर बी सी एंड डी समथिंग लाइक दिस। इट कैन बी, और ये यहां से भी एक फॉल आए, यहां से भी बन सकते हैं, तो दोनों जगह से रेशियोज चेक करना पड़ेगा। अब ये हिस्टोरिकल चार्ट है तो इसमें जो मुझे पता है यहाँ से जो था सेकेंड वाला स्विंग है यहाँ से बना था, ये एक्स पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, बट लाइव चार्ट में ऑब्वियसली दोनों जगह से हम लोग को चेक करना है रेशियोज, ठीक है, बिकॉज ये स्विंग हाई भी प्रॉपर है और ये वाला स्विंग हाई भी प्रॉपर है, आपका ये भी एक पूरा एक्स से मूव हो सकता है और ये वाला भी एक्स टू ए मूव हो सकता है, जहां से रेशियो ज्यादा प्रॉपर फिट बैठता है वहां से हम लोग को कंसिडर करना है। तो इसमें रेशियोज एकदम प्रॉपर बैठ रहा था कि बी पॉइंट 61.8 तक आया था, डी पॉइंट इज 78.6 एंड बी टू सी का 127 मैच कर रहा था और ये एक पी आर जेड मिल गया था और उसके बाद में फॉल भी है। ऐसे सेट थी, पहले भी हम लोग ने ये एक चीज डिस्कस किया कि हार्मोनिक पैटर्न है ना वो कंप्लीट रिवर्सल पैटर्न नहीं है, वो मीन रिवर्जन पैटर्न है। ओके तो यहाँ पे जो प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पे रिवर्सल आया डी पॉइंट के बाद में पूरा टर्न हो गया, बड़े फॉल आ गए, कि एक्स पॉइंट सॉरी ए पॉइंट भी ब्रेक करके उसके भी नीचे आ गया, बैट के एग्जाम्पल्स भी देखे थे, गार्टली का भी देखा था कि एकदम बहुत बड़ा फॉल आ गया या बहुत बड़ा रैली आ जाता है, वैसा नहीं। हम लोग हमारा टारगेट जो है वो 50% से 61.8 तक रखना है, तो यहाँ पे वो टारगेट मेट हो जाएगा, उसके बाद में बाउंस आई है रैली है। यहाँ पे भी एक बना था अच्छा खासा पैटर्न बेरिश गार्टली और उसका मूव आया। अब हम लोग चार्ट क्या अवॉइड करना है वो बाद में देखेंगे, और इस पहले वो एक डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चार्ट्स को अवॉइड करना है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि अगर जिस दिन पीआरजेड का लेवल टच कर रहा है प्राइस, उस दिन अगर बड़ा रेड कैंडल है तो ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, या फिर अगर पीआरजेड को टच कर रहा है उस दिन अगर गैप के साथ में ओपनिंग है तो ट्रेड अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं लेना है, और थर्ड सिनेरियो है जो अभी हम लोग ने आज डिस्कस किया था कि अगर टाइम वाइज अगर एक्स ए बी का जो मूव है वो जितना टाइम लिया है उसका मिनिमम 38.2% बी सी डी का मूव लेना चाहिए, अगर उससे कम टाइम ले रहा है तो भी ट्रेड अवॉइड करना है। तो ये तीन सिनेरियो जहाँ पे ट्रेड्स अवॉइड करना है, तो कुछ एग्जांपल्स वैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे रेमंड का चार्ट है पुराना, यहाँ पे एग्जैक्ट सब रेशियोज मैच कर रहे हैं, आपका हार्मोनिक के बैरिस बैट पैटर्न के रेशियोज मैच कर रहे हैं, बी पॉइंट 50% है, ये 88.6% और 200% का यहाँ पे जोन बनेगा, बट इसको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि जिस दिन ये पी आर से टच कर रहा है उस दिन ये गैप अप ओपनिंग है, जो आप जब डी पॉइंट टच किया है उस दिन ये गैप अप ओपनिंग है, तो वैसे सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना, अवॉइड करना। ओके
सो उसके बाद में क्या हुआ, ये मॉर्निंग का चार्ट है, ठीक है। एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसके बाद में एंड ऑफ द डे ये प्राइस ऐसा क्लोज हुआ था, ये डी पॉइंट के ऊपर चला गया था, एक्स पॉइंट के ऊपर चला गया था, तो आपका स्टॉप लॉस सेम डे में ट्रिगर हो जाता अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। बट गैप से जब हो रहा है, इट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग बुल्स है वो ज्यादा एग्रेसिव है, तो उसको अवॉइड करना। यहाँ पे एक बुलिस गार्टली पैटर्न बना है जिसका PRZ आ रहा है 639 से 638, ये वाली जोन पे, यहाँ पे इसका रिवर्सल है, इसको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है? अपूर्व आपका क्या मानना है, ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्यों? वो बहुत ही ज्यादा फॉल आ गया है। जब ये जो नीचे का फॉल है वो तो बाद में है, ठीक है। हम अपना ट्रेड तो 639 पे हो जाता, बट 639 पे जब प्राइस है उससे पहले भी इतना बड़ा रेड कैंडल है, ओके। अब आप इसका रिसेंटली जो कैंडल का साइज देखोगे, उसका डबल से बड़ा कैंडल वो सेम डे का पहले ही बन गया था जब PRZ टच किया उससे पहले, तो ऐसे सिनेरियो में इसको अवॉइड करना, ओके। एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट इसके लिए अवॉइड। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ये भी बुलिश गार्टली पैटर्न है कि 61.8% तक आया था बी पॉइंट, और जो डी पॉइंट है वो 78.6 और इसका 141%। इसको क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि वो गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो इसके लिए अवॉइड करना है वो पैटर्न को, और उसके बाद में कंटिन्यूशन नहीं है प्राइस में। अब यहाँ पे भी गार्टली पैटर्न है, बुलिश गार्टली पैटर्न। आप बोलोगे सब गार्टली तो अवॉइड कर दिए, ट्रेड किस में करेंगे, इसको क्यों अवॉइड करेंगे? आई डोंट नो, इसमें कुछ खास ऐसा पता नहीं चल रहा है, मुझे ओके, तो एटलीस्ट नहीं पता चल रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये वीकली चार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये X2A2B, इसका टाइम देखो कितना टाइम लिया इसने, और B2C2D का टाइम देखो काफी काफी कम है। कम है, ठीक है। तो X2A2B 33 वीक्स लिया था, तो अगर मैं इसका 38.2% पकड़ू तो वो आता है लगभग 11.5 12 12 वीक पकड़ लो, 12 वीक्स तो होना चाहिए, ओके। यहाँ पे 12 वीक्स की जगह 8 वीक्स में ही वो कंप्लीट हो गया, तो जो सेकेंड हाफ जो है पैटर्न का वो बहुत कम टाइम लिया, इसके लिए ये पैटर्न को अवॉइड करना, गॉट इट। ठीक है। अब ये फिर से एक DISTV का चार्ट है, यहाँ पे भी बेरिश गार्टली बना था, जिस दिन PRZ टच किया उस दिन गैप अप ओपनिंग था। सो ये तो हो गया हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के बाद, अब कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ लाइव चार्ट देखते हैं जहां पे फाइंड आउट करेंगे कि कोई पैटर्न बना या नहीं बना। तो लेट्स मूव, ये हम लोग ने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, अब हम लोग आते हैं गोल्ड पे। तो बेसिकली आप अगर गोल्ड का ये चार्ट देखेंगे, गोल्ड मिनी का चार्ट है, हम लोग ने जब एक चार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो था गोल्ड कॉमेक्स का, ठीक है, जब हम लोग ने लास्ट एपिसोड में बुलिश ABCD पैटर्न डिस्कस किया था कि कॉमेक्स गोल्ड अपने PRZ के एकदम पास में आके टच नहीं किया, बट उससे रिवर्स पहले ही घूम गया, उससे पहले ही वो रिवर्स हो गया था। बट उसी टाइम पे, सेम टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो गोल्ड मिनी में एक बुलिश गार्टली पैटर्न बना था, ठीक है। अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस इज द एक्स पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। अब बी पॉइंट है वो 63.9% रिट्रेसमेंट हुआ था, विच इज नियर टू 61.8। सी पॉइंट है वो 56, सी पॉइंट एनीवेज एडजस्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डी पॉइंट है, डी पॉइंट इसका जो रहेगा वो रहेगा 78.6%, और जो 141% से मैच हो रहा था, ओके। सो इसका जो रिवर्सल जोन था वो था लगभग 56,300 के अराउंड, और इसने जो लो बनाया है वो बनाया है 56,160 का, और वहां से पूरा की पूरा प्राइस रिवर्स हो गया।
अब आपका गोल्ड कॉमेक्स में थोड़ा सा मार्जिनली एंट्री मिस आउट हो गया, बट साथ ही साथ वो अगर आप वही टाइम पे गोल्ड फ्यूचर का या गोल्ड मिनी का चार्ट देखेंगे तो गोल्ड मिनी में एक पैटर्न बना हुआ है और जो एक आपको अच्छा एंट्री भी उसने प्रोवाइड किया और जो चला भी है, ठीक है। अब एक दो और चार्ट देखते हैं हम लोग। रिसेंटली कोटक बैंक में एक पैटर्न दिखा था, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है अपूर्व आपको? दिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक मूव आया, ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है। इसके टारगेट तो अगर कुछ आए नहीं है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि ये मेरा ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट एक पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सो ये X2A एक मूव आया, ओके। इसका 59.2% तक रिट्रेस हुआ, ये सी पॉइंट वन एडजस्टेबल है इन बिटवीन 38.2 to 88.6%, ओके। नाउ डी पॉइंट हैज टू बी, अगर ये 61.8 है तो कितना होना चाहिए? 78.6% होना चाहिए, 78.6 समवेयर यहाँ पे, ओके। नाउ 78.6% यहाँ पे नियर बाय क्या है? 141% के अराउंड। तो जो पी आर सेट इसका जो बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 1730 से 1735 के अराउंड, ओके। स्टॉप लॉस 1.5% का हो जाएगा 1730 से 1.5%, कितना हो गया? लगभग 25 रुपीज बिलो 1730 के करीब का हो जाएगा, 1705 के अराउंड स्टॉप लॉस हो गया 1704-5 का। ये 1709 तक का अभी तक इसने लो किया है और फिर से थोड़ा बाउंस आना स्टार्ट हुआ है। ट्रेड, सी व्हेन आई एम सेइंग ट्रेड, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। सो ये जो बुलिश पैटर्न बना ये ऑब्जर्वेशन अभी तक एक्टिव है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो तो नो वन कैन प्रेडिक्ट। बट अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो 1705 के स्टॉप लॉस से वो ट्रेड एक्टिव रहता है, वो ऑब्जर्वेशन एक्टिव रहता है। ये मेरा अगेन डिस्क्लेमर, ये मेरा ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है आपके लिए, ये जस्ट मैं ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना है, वो अभी तक इंटैक्ट है लाइव चार्ट में, ओके। और भी कुछ पैटर्न्स है जो अच्छे है जहाँ पे इंटैक्ट है। एक मैं और बहुत अच्छा मुझे ऑब्जर्वेशन लगता है वो है क्रॉस करेंसीज में, जहाँ पे अगर मैं यूएसडी जेपीवाई का चार्ट देखूंगा, ओके। ये चार्ट में एक बेरिश एबीसीडी पैटर्न बन रहा है, ओके। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो हम लोग ने एबीसीडी पैटर्न प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था, बट ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मुझे अभी मिला, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ए बी सी एंड डी। अब सी पॉइंट है वो 50% तक हुआ था ए टू बी का, ओके। तो डी पॉइंट है वो 200% पे कंप्लीट, ओके। अब इसका 200% आता है नियर टू 152.75-153 के, अभी प्राइस चल रहा है लगभग 150 के रहा। तो यहाँ से और 2-3 पॉइंट ऊपर आने के बाद में इसका एबीसीडी कंप्लीट होगा, ओके। अब ये है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, ओके। ना यूएसडी जेपीवाई इट मीन्स कि यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, 152-153 की रेंज से वो गिरना स्टार्ट हो सकता है। यूएसडी जेपीवाई अगर गिरता है इट मीन्स कि जेपीवाई आईएनआर है वो ऊपर आएगा और यूएसडी आईएनआर नीचे आना चाहिए। अब यूएसडी आईएनआर का तो अलग ही मूवमेंट है, बट जेपीवाई आईएनआर है उसमें बाउंस आने के चांसेस बढ़ेंगे, ओके। सो अब जेपीवाई आईएनआर का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश एबीसीडी बन रहा है, ये ज़िगज़ैग, और साथ ही साथ एक बैट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये बैट पैटर्न का पीआरजेड ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, बुलिश एबीसीडी का पीआरजेड थोड़ा नीचे है अभी तक, क्योंकि ये वाला लैग है, ये नीचे आएगा, ये समवेयर अराउंड 54 के अराउंड आएगा, बट यहाँ पे पीआरजेड ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और इसका स्टॉप लॉस ये एक्स पॉइंट का रहेगा, ओके, ठीक है।
ये लेवल अगर होल्ड करता है तो देर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी शायद प्राइस बाउंस अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाए। ओके सो जय जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस और चार्ट पैटर्न्स रही है आपकी दोनों ही एपिसोड में। आई थिंक बहुत ही अच्छा एक हमें टेक्निक सीखने मिली। तो पिछले एपिसोड में हमने AB इज इक्वल टू CD पैटर्न देखी थी और आज हमने बैट और गाटली पैटर्न्स स्टडी किए। तो जो हमारे दर्शक हैं जिन्हें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में काफ़ी रुचि है, उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट अपने टूल बॉक्स में ऐड हो गया रहेगा। तो आई थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स विद आवर व्यूअर्स, और बहुत ही खुशी हुई आपसे ये जो हार्मोनिक पैटर्न्स है वो सीख के। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। मोस्ट वेलकम। एंड इनफैक्ट मैं सभी व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना हो सकता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे, बहुत इजी है समझने के लिए। पूरा मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर है, फिबोनाची नंबर, फिबोनाची रेशियोज के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे इमोशंस कम है और ये आपकी ट्रेडिंग को एक नया एज देंगे। बिकॉज आप जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो मार्केट जहाँ पे मोस्टली जो ट्रेडर्स जहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हो, तो एक अलग ही एज आपकी ट्रेडिंग को, आपके पोर्टफोलियो को देगा। सो आप ट्राई कीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड लीजिए। श्योर, एब्सोल्युटली। तो हमारा जनरली शो का एक प्रथा रहती है कि जहाँ पे हम आपसे कुछ पीस ऑफ एडवाइस लेते हैं टू एज द इंडेक्स, वो आपने इसी में दे दिया कि ट्राई टू थिंक कॉन्ट्रेरियन, और अगर कॉन्ट्रेरियन आपको सोचना है तो उसके लिए आपको ये जो हार्मोनिक पैटर्न्स है वो काफ़ी हेल्प करेंगी। सो जय जी, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर शेयरिंग ऑल द विजडम एंड नॉलेज विद आर व्यूअर्स। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो ये थे जय पुरोहित जी। इनके साथ हुए पूरे ही कॉन्वर्सेशन में हमने हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर बात की। तो पिछले एपिसोड में हमने फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची रेशियोज़ के ऊपर बात की, और फिर हमने ABCD पैटर्न्स के बारे में बात की। आज के इस एपिसोड में हमने बैट पैटर्न और गाटली पैटर्न्स के बारे में बात की और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। तो आई एम श्योर के आपको ये पूरा ही कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये एपिसोड को आगे और भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज और विजडम मिले। तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.